चलिए बच्चों, जय हिंद। मैं नितेश पाल प्रचंड बेच में आपका स्वागत करता हूं, माय डियर स्टूडेंट। राइट है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूं पिछले दो दिनों से कि अपनी हरियाणा फोर्स डिफेंस एकेडमी में एनडीए की नई बैच जो है आज से स्टार्ट हो गई है 15 मई पर। यदि आपके आसपास कोई या आपका कोई संबंधी जो है, यदि आप जो है एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहता है, फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो आज जो है आकर के एडमिशन ले सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, सीडीएफ जो है कॉमन डिफेंस सर्विस की जो है वो हमारी नेक्स्ट बैच चालू हो रही है 20 मई से। राइट है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप जल्दी आकर के एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। राइट है, यदि आपके परिवार में आपके कोई परिचित जो है यदि सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहता है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है सीडीएस या एनडीए की कोचिंग के लिए। ठीक, तो आप जरूर आकर के एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर। राइट है, चलिए हमारा बैच, हमारा जो है प्यारे बच्चों टॉपिक जो हमारा चल रहा था लास्ट का, देखिए मैं अब क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं कुछ फॉर्मूले आपको पहले मैं बता दिया करूंगा। आई होप आपको मेरी आवाज जो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। विनीता पाटीदार, जय हिंद बच्चे, जय हिंद। ठीक, रवि यादव, जय हिंद। निखिल वर्मा, जय हिंद बच्चे। देखिए भाई, मैं नेक्स्ट टाइम से ये करूंगा, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, मैं आज का टॉपिक ये कंप्लीट करता हूँ एसएचएम का। अगली बार जब मैं लाइव क्लास के लिए आऊंगा तो मैं देखूंगा कि जैसे आप जितने भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, राइट है, हमारे जो रनिंग चैप्टर से जो हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं, मैं उसी से संबंधित जो है 25-25 के सेट लेकर के आऊंगा, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है डबल उसी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। राइट है, और बाहर के जो बच्चे हैं जो जिनके लिए वीडियो नया है, जो है डायरेक्टली क्या कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं, बिना उसके यदि ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि चैप्टर्स के कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूले जिनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो एनडीए में हम जिनके सेट लगा रहे हैं, राइट है, वो एनडीए के पेपर या क्वेश्चन जो जिनके हम सेट लगा रहे हैं यदि हम वो सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं उनसे संबंधित कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बता दिया करूंगा ताकि आपको उत्तर देने में क्या रहे आसानी रहे। राइट है, सिंपी पाल, जय हिंद बेटा, जय हिंद। राइट है, चलिए देखो, मैं अब एकदम से क्वेश्चन पर नहीं आ रहा हूं, मैं कुछ बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं, मैं कुछ छोटा मोटा आपको हल्का सा बता देता हूं, आप एक आइडिया लगा करके रखिए, उसके बाद फिर हम किस पर आएंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पर आएंगे। राइट है, ठीक, सुनिए ध्यान से। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप, सबसे पहली बात तो है प्यारे बच्चों की हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राइट है, उसमें आप तीन प्रकार के मोशन जो है वो देख सकते हैं। पहला जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। राइट है, मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, कुछ फॉर्मूले सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय हिंद बच्चे, जय हिंद। पीरियोडिक मोशन होता है, दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन होता है, बोले राइट है क्या, दूसरा जो है प्यारे बच्चों कौन सा होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों कौन सा होता है, एसएचएम होता है, बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। राइट है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा एक आइडिया लगा लीजिए। देखिए पीरियोडिक मोशन जो है वो क्या होना चाहिए भाई, ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या होता हो, रिपीट होता हो। राइट है, ऐसा मोशन जो एक डेफिनेट या एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या हो, रिपीट होता हो, इस प्रकार के मोशन को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। राइट है, नीचे अगर मैं दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन पर आता हूं, तो अगर कोई बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। जैसे मान लीजिए ये मोशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन है, ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन है, ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन है, ये मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन है। राइट है, अगर कोई भी बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। राइट है क्या, तो प्यारे बच्चों टू एंड फ्रो डायरेक्शन में उसका जो मोशन होता है उसको क्या कहा जाता है, वो कहला जाता है ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर जाता हूं तो हमेशा ध्यान रखिए दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। क्या होते हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। राइट है बेटा, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ये मीन पोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मीन पोजिशन कहलाता है। और मीन पोजिशन के लेफ्ट साइड में या मीन पोजिशन के राइट साइड में, राइट है, या फिर मीन पोजिशन के अप साइड में या मीन पोजिशन के डाउन साइड में, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इस प्रकार का जो मोशन होगा मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में और मीन पोजीशन के राइट साइड में, ये जो पॉइंट होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, इनको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। बोलिए राइट है क्या, क्या बोलते हैं इनको, हम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखिए, तो अगर कोई भी बॉडी इन दो निश्चित बिंदु, इन दो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग क्या कर रही है, यदि इन दो फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग यदि क्या कर रही है, बॉडी मोशन कर रही है, आई क्या बात समझ में, तो इस प्रकार का मोशन जो है वो क्या कहलाएगा, इस प्रकार का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। अगर ये बात समझ में, ठीक, ध्यान रखिए, क्लियर है, क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। राइट है, ठीक है, चलो, क्या कहलाएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति कहलाएगा। बोले राइट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं। क्या देखते हैं हम इसमें, कुछ फॉर्मूले। राइट है, जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की बात की जाए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम,
सिंपल हार्मोनिक मोशन में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के समीकरण की बात करूं तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, साइन ओमेगा टी लिखेंगे, राइट है। एक इक्वेशन ये होती है, एक इक्वेशन ये होती है y equals to a sin omega t, राइट है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो होती है y equals to a cos omega t। क्या होती है प्यारे बच्चों, y equals to a cos omega t, बोलिए राइट है। y equals to क्या होती है, a cos omega t होती है, राइट है। a sin omega t हम तब यूज करते हैं when SHM started from extreme position, यदि SHM कहां से चालू हो रहा है प्यारे बच्चों, एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट है। और दूसरी इक्वेशन दैट इज y equals to a cos omega t, वी विल यूज द गिवन इक्वेशन when SHM started from extreme position, राइट है। एक मिनट रुके, मैं प्यारे बच्चों थोड़ा सा उल्टा बोल गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। y equals to a sin omega t जो है ये वाली इक्वेशन का हम यूज तब करेंगे जब SHM कहाँ से स्टार्ट होगा, मीन पोजीशन से। कहाँ से स्टार्ट होगा, जब SHM मीन पोजीशन से। और a cos omega t वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे जब SHM कहाँ से चालू होगा प्यारे बच्चों, एक्सट्रीम पोजिशन से, राइट है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे मान लो मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, सुभाष भाई पानी भर देना इसमें। प्यारे बच्चों अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन के अंदर यदि कोई क्वांटिटीज आ रही है तो मैं उस क्वांटिटी से संबंधित आपको वहीं की वहीं उस टॉपिक से संबंधित सारे फॉर्मूले में आपको क्लियर कर दूंगा, राइट है, बराबर है। तो आप आज का स्लॉट कंप्लीट करिए, अगली बार से हम क्या करेंगे, जो चैप्टर आपके पढ़े हुए होंगे कोशिश करेंगे उनके जो है टॉपिक्स लिए जाएं ताकि आपका रिवीजन या प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, राइट है। चलिए अटैक करते हैं आज के सेट पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट है, रेडी रहिए भाई, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम, ठीक, कॉल्ड, एक पेंडुलम के मोशन को इनमें से क्या कहा जाता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम कॉल्ड, एक मूवमेंट, एक पेंडुलम के मूवमेंट को इनमें से क्या कहा जाता है, ठीक है। पहला इररेगुलर मोशन, दूसरा ऑसिलेटरी मोशन, तीसरा सर्कुलेटरी मोशन, या चौथा कौन सा है, लीनियर मोशन। मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है। एक पेंडुलम के मोशन को बेसिकली क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। सही उत्तर जो है माय डियर स्टूडेंट क्या लगाएंगे हम, बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सही उत्तर बी लगाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये पहले भी हमने सॉल्व कर रखा है, पहले भी हमने सॉल्व कर रखा है। आफ्टर फिलिंग द की ऑफ वॉच इज स्टोर्ड इन इट, घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो इनमें से कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो इनमें से कौन सी एनर्जी स्टोर होती है। माय डियर स्टूडेंट याद रखिए, अगर स्टोरिंग एनर्जी की बात की जा रही है तो स्टोरिंग एनर्जी जो है वो तो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। बट जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो चारों ऑप्शन में कहीं भी आपको पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के ही क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के ही क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो कोई बात नहीं है, अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे रखा है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी जो है ये भी तो मैकेनिकल एनर्जी का ही प्रकार है। तो सही उत्तर क्या लगाएंगे हम, ए लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं, देखिए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री, सुनिए ध्यान से। If a clock oscillating with a pendulum is taken from the earth to the moon, एक pendulum clock है, इस pendulum clock को पृथ्वी की सतह से कहां लेकर जाते हैं, moon पर लेकर के जाते हैं, कहां ले जाते हैं, moon पर, then the clock will be, तो घड़ी जो है उसका oscillation जो है वो क्या होना चाहिए, तो clock जो है उसका क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, जब पृथ्वी की सतह से, समीर कुशवाहा बी बोल रहे हैं फास्ट हो जाएगा, अच्छा सिंपी पाल बोल रही है नो आइडिया, कोई बात नहीं बच्चों,
जब भी पेंडुलम से संबंधित, जब भी पेंडुलम क्लॉक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों हमेशा लॉजिक टी बराबर से 2π अंडर रूट्स ऑफ एल बाय जी के हिसाब से लगाएंगे। किसके हिसाब से लगाएंगे? टी बराबर से 2π अंडर रूट्स ऑफ एल बाय जी के हिसाब से लगाएंगे। अब आप सोचो जरा ध्यान से कि पृथ्वी की सतह से जब हम क्या करते हैं, मून की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, पृथ्वी की सतह से जब हम क्या करते हैं, मून की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? तो पृथ्वी सतह से जब आप ऊपर जाते हैं तो जी का मान जो है वो क्या होता है, कम होता है। और आपने ये पढ़ रखा है पहले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना पृथ्वी पर है, मून पर उसकी वैल्यू पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 6 times क्या होती है, कम होती है। आपने पढ़ा है 1/6 times हो जाती है, आपने पढ़ा है 1/6 times हो जाता है। तो मून पर जब गए तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, मून पर डिक्रीज हो रही है। जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड जो है आवर्तकाल क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। टाइम पीरियड बढ़ जाने का क्या मतलब है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब यह है कि पहले एक ऑसिलेशन में उसको टाइम जो भी लग रहा होगा, पहले एक ऑसिलेशन में उसको जो भी टाइम लग रहा होगा, अब मैंने बोला टाइम पीरियड बढ़ गया है, टाइम पीरियड बढ़ गया का क्या मतलब है, मतलब अब एक ऑसिलेशन में उसको लगने वाला टाइम पहले के रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए कि अगर पहले एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा था, 1 second, मैंने बोला अब टाइम पीरियड बढ़ गया है तो 1 second से मान लीजिए कितना हो गया, 3 second हो गया है। तो वही ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। मतलब घड़ी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। क्या हो गई है, घड़ी सुस्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब प्यारे बच्चों ये नहीं होता है कि घड़ी फास्ट हो जाए। पहले स्पीड से ऑसिलेट कर रहा था, टाइम पीरियड कम था, अब टाइम पीरियड कम हो गया, धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा है। कैसा कर रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ गया है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब कैसी हो गई, घड़ी सुस्त हो गई है, स्लो हो गई है। घड़ी कैसी हो गई है, सुस्त हो गई है, स्लो हो गई। क्लियर है? सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। घड़ी कैसी हो गई है प्यारे बच्चों, सुस्त हो गई है और स्लो हो गई। बोले राइट है प्यारे बच्चों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए आप ध्यान से, वो आप सुनेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे, आपके दिमाग में कुछ रह पाएगा, है ना। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि और ज्यादा स्पीड से करेगी, हाँ। टाइम पीरियड का मतलब कैसी हो गई, अब एक ऑसिलेशन में उसको टाइम क्या लग रहा है, एक ऑसिलेशन में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ज्यादा लग रहा है मतलब सुस्त हो गई। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 के बाद नेक्स्ट देखिए। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। चलिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है सुनिए ध्यान से। द टाइम पीरियड, ठीक, क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड, क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट। देखिए फिर मैंने बोला क्या है, बेसिकली एनडीए का मेन टॉपिक ही क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है। और ये पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो है वो टी बराबर से 2π अंडर रूट्स ऑफ एल बाय जी के ही इर्द गिर्द घूमता है, जहां पर एल जो है वो सिंपल पेंडुलम के थ्रेड की लंबाई होती है, लेंथ होती है, और जी तो आपको मालूम ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब किस पे निर्भर नहीं करता है। तो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, लगाओ आंसर, ठीक, बाय इट्स लेंथ। तो प्यारे बच्चों लेंथ पे हमें दिख रहा है डिपेंड करता है, टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अंडर रूट्स ऑफ एल। तो ए आंसर गलत है। फिर बोल रहा है बाय इट्स मास, हाँ यही तो वो पॉइंट है। देखिए आप पूरे फॉर्मूले में कहीं भी मास आ रहा है क्या, पूरे फॉर्मूले में कहीं भी मास आ रहा है क्या? तो हम देख रहे हैं कि पूरे सूत्र में कहीं पर भी मास या द्रव्यमान नहीं आ रहा है, राइट है? तो बिल्कुल सही है, मास के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बॉब के या बॉडी के मास के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, लोकेशन ऑफ अर्थ तो अभी डिस्कस करा था हमने कि पृथ्वी की सतह पर जहां जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में चेंजेस या फिर क्या आएंगे, वेरिएशन आएंगे, तो भाई साहब लोकेशन ऑन अर्थ के हिसाब से भी टाइम पीरियड टी की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, बोलिए बराबर है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। देखो जरा लगाओ लॉजिक, लगाइए इस क्वेश्चन में लॉजिक। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पेंडुलम क्लॉक्स स्लो डाउन इन समर, गर्मी में, गर्मी में जो आपकी पेंडुलम क्लॉक जो होती है वो सुस्त हो जाती है। एक ऑसिलेशन में टाइम क्या लेती है, ज्यादा लेती है। भाई क्यों लेती है टाइम, आओ लगाते हैं लॉजिक, क्या होना चाहिए। समीर कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि आंसर सी होना चाहिए,
ठीक है, विनीता जी बोल रहे हैं, विनीता मैडम का कहना है बिकॉज डेज आर लॉन्गर इन समर. अच्छा, और रियली डेज है रीजन इसका. समीर कुशवा बोल रहे लेंथ इंक्रीजेस. हाँ, ये समीर भाई की बात सुनो, ये बोल रहे लेंथ इंक्रीजेस. देखिए सुनिए, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है रेदर देन बारिश और ठंड के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा. प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा है, हीट क्या होती है, ज्यादा होती है. उस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण, उस ज्यादा से ज्यादा हीट के कारण, सिंपल पेंडुलम के थ्रेड की या उस क्लॉक की लेंथ या लंबाई जो होती है उसमें क्या होता है, एक्सपांशन होता है. क्या होता है, एक्सपांशन. और प्यारे बच्चों, एक्सपांशन या प्रसार जब होगा तो लंबाई क्या होगी, एक्सपांशन से बढ़ जाती है. और हमें तो पहले से ही पता है कि भाई साहब टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एल होगा. यदि किसी भी कारण से किसी पेंडुलम क्लॉक की लेंथ या लंबाई क्या हो रही है प्यारे बच्चों, बढ़ रही है, तो जब जब भी लंबाई या लेंथ बढ़ेगी प्यारे बच्चों, जब जब भी लंबाई या लेंथ बढ़ेगी प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा. जब जब भी लंबाई या लेंथ बढ़ेगी प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड भी क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट, बढ़ेगा. बोले राइट है क्या, रीजन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. गर्मी के दिनों में विथ रिस्पेक्ट टू अदर डेज टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा. हीट क्या होती है, ज्यादा. टेम्परेचर ज्यादा होने से सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है उसकी लेंथ क्या होती है, एक्सपांशन के कारण बढ़ती है. लेंथ बढ़ने के कारण क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन में वो क्या कर रहा है, अब ज्यादा टाइम ले रहा है. और ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. ठीक है. द डेज आर लॉन्गर इन समर, नहीं. देयर इज अ फ्रिक्शन, हमेशा रहेगा. हटला घटाओ. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, ठीक. पेंडुलम की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. ठीक. द वेट ऑफ पेंडुलम चेंजेस, ठीक. बिल्कुल गलत है. आया समझ में, ठीक. आया समझ में, ठीक. आया समझ में, क्लियर है. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा. क्या हो जाएगा सही उत्तर प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा. ठीक. द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस, कोई समस्या तो नहीं है. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको, कल भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था सॉल्व, पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का था. राइट है, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं. राइट है प्यारे बच्चों, ठीक है. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं. क्लियर है. देखिए बच्चे, ये आप सब जो है, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों. ठीक है, इस प्रकार के किसी भी हम लाइन पर यहाँ पर गौर नहीं कर पाएंगे. आपको कुछ रहे तो आप सेंटर पे आकर के मिल लीजिएगा बच्चों. ठीक है, क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन सुनिए. क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग SHM एंड पासेस थ्रू द मीन पोजिशन. चलिए, क्या होता है मीन पोजिशन, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते वक्त, ठीक है, देखिए इस प्रकार से ऑसिलेट करता है. बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा है, मीन पोजीशन वाला पॉइंट. बच्चे ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पोजीशन वाला पॉइंट. और ये वाला भी पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम पोजीशन वाला पॉइंट. राइट है. तो ये हमसे पूछ रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, मतलब ऑसिलेट करते हुए जब वो इस पॉइंट को क्या करता है, क्रॉस करता है. जब वो इस पॉइंट को क्या करता है प्यारे बच्चों, क्रॉस करता है. राइट है. हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का मोशन हो, चाहे वन डायमेंशन मोशन हो वर्टिकल ऊपर नीचे, चाहे सर्कुलर मोशन हो वर्टिकल वाला ऊर्ध्वाधर वृत्ति गति, चाहे पेंडुलम का मोशन हो ऑसिलेटरी, अगर कोई बॉडी ऊपर है, हाइट पर है, तो वहां पर उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कम से कम होती है. और जब वो किसी भी रूप में ऊपर से कहां आता है, नीचे आता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन में ऊपर से नीचे आए, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं. इस प्रकार से यदि वो ऊपर से कहां आए, नीचे, ऊपर से यदि कहां आए, नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन से यदि कहां आता है, मीन पोजीशन, और मीन से गुजरता है, तो ध्यान रखिए जब ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, स्थिति ऊर्जा घटेगी, और प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी. तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के पास, मीन पोजीशन से पास होता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो मीन पोजीशन से पास होता हुआ आगे बढ़ेगा, तो मीन पोजीशन पर उसके पास कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या है, उसके पास मिनिमम है. कोई डाउट तो नहीं है. कोई भी मोशन ले लीजिए, ऊपर से नीचे आ रहा है किसी भी प्रकार से, तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. मीन पोजीशन पर इसके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम. राइट है. ढूंढिए जरा ये ऑप्शन.
ठीक, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, गलत, दोनों नहीं होगा। फिर बोल रहा है बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आज मैक्सिमम, दोनों अधिकतम या मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है। मीन पोजीशन से गुजर रहा है जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है, बोले राइट है। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, हैज मैक्सिमम, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके पास, मीन पोजीशन से जब पास हो रहा है तो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, डी है। सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, डी है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ठीक, ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीजें मैं बताता जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, बड़ी क्लियर है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक नया क्वेश्चन है, इसका आंसर हम अभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। बोलिए राइट है, इसका आंसर हम अभी क्या करेंगे, याद रखेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। आओ देखें क्या है, समझिए, ये बोल रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इन सेकेंड्स, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखिए माइक्रोवेव्स, आपने सुना होगा प्यारे बच्चों कि माइक्रोवेव्स जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रकार में आती है, ठीक है, किसके प्रकार में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार में आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, चलिए कितनी रेडिएशन आती है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों में यदि हम काउंट करेंगे, ठीक है, तो पहला आता है गामा रे, बोले राइट है, दूसरा आता है एक्सरे, बोले राइट है, तीसरा आता है कौन सा एक्सरे के बाद, अल्ट्रावायलेट रे आता है, बोले राइट है, अल्ट्रावायलेट के बाद प्यारे बच्चों कौन सी किरण आती है, विजिबल रे आती है, बोलिए राइट है, विजिबल रे के बाद कौन सी उठाएंगे हम, इंफ्रा रेड रे आती है, बोलिए राइट है, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, माइक्रोवेव आती है, बोलिए राइट है, कौन सी आती है, माइक्रोवेव, और माय डियर स्टूडेंट लास्ट में कौन सी आती है, रेडियोवेव्स, कौन सी आती है लास्ट में, रेडियोवेव्स, बोलिए क्लियर है। ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है, और इसमें चूंकि माइक्रोवेव बोल रहा है, सूक्ष्म तरंग है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती है, हमसे पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स की सेकंड्स में जो है वो क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, क्या पीरियड होना चाहिए, बोले राइट है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट इसका आंसर अभी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर याद रखिए, जब ईएम वेव्स पढ़ेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट है, क्या करेंगे हम इसको याद रखेंगे। और इसका जो सही उत्तर है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, चले गेस करिए, आपको कुछ लगा पाएगा क्या, गेस गेस करिए भाई, गेस करिए भाई, ठीक, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक, याद कर लो, चलो क्वेश्चन नया है तो क्या करेंगे, अभी याद कर लेते हैं, क्या है इसका आंसर, 2 × 10 की पावर क्या आएगा, -10 आएगा, क्या आएगा, 2 × 10 की पावर -10, बोलिए क्लियर है, क्या आएगा, 2 × 10 की पावर -10 आएगा, बोलिए बराबर है। तो इसका जो टाइम पीरियड है माइक्रोवेव्स का, 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स का कितना ये है, बोलिए क्लियर है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर लगाते हैं दिमाग, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा पढ़ा हुआ है क्या आपका, समझो जरा इसको, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, सुनो जरा इसको क्या बोल रहा है ये, द वर्किंग मेथड ऑफ अ वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक्स वॉज थ्रू, ठीक, द वर्किंग मेथड ऑफ वेरी ओल्ड जो है उसकी वर्किंग मेथड क्या होनी चाहिए, वर्किंग मेथड जो है ओके बेटा आपकी बात ध्यान रखी जाएगी, आप थ्योरी नहीं कराते हो, क्वेश्चन से हो जाएगा क्या, मैं न्यू हूं सर, बेटा अगली बार आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखी जाएगी, मैं अब अगली बार से यदि मैं कोई नया चैप्टर लेता हूं तो मैंने बोला मैं उसके कुछ फॉर्मूले जो है, कुछ बातें जो है वो आपकी, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं डिटेल में जाकर के बता पाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ प्रचंड बेच में जो है वो हम प्रैक्टिस के लिए जुड़ रहे हैं, प्रचंड बेच जो है बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, बट हाँ मैं अगली बार से कोई नया चैप्टर लूंगा तो मैं जरूर आपको उससे कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें आपको उसकी पहले थ्योरेटिकल या थ्योरी के रूप में मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोलिए राइट है, हाँ जी सुनिए, ठीक है सुनिए, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, द वर्किंग मेथड ऑफ वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम क्लॉक वाज, माय डियर स्टूडेंट मैकेनिकल थी वर्किंग मेथड, कौन सी मेथड थी, मैकेनिकल। देखिए क्या है, पहले की जो क्लॉक्स आती थी उनमें कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ता था, फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता था, राइट है, मैकेनिकल एनर्जी उनको क्या करना पड़ती थी, पहले देना पड़ती थी। तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो क्या है, ए है, बोलिए राइट है क्या, क्या है सही उत्तर, ए है, द वर्किंग मेथड ऑफ वेरी ओल्ड मॉडल, कौन सी थी वर्किंग मेथड, मैकेनिकल थी, यांत्रिक वाली थी, कौन सी थी, मैकेनिकल, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अब लगाइए आप इसका जरा,
अब लगाइए आप इसका क्वेश्चन, करिए जरा, करिए सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है गैलीलियो गैलीली, ये बोल रहा है कि हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट करने वाले कौन थे? गैलीलियो गैलीली, थॉमस अल्वा एडिसन, फ्रेडरिक जोन्स और डेविडसन। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये जो पेंडुलम क्लॉक वाला जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि एक मिस्टर हाइगन्स करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा टेली करेंगे, राइट है। पेंडुलम क्लॉक को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन थे? पेंडुलम क्लॉक को सबसे डिस्कवर करने वाले थे हाइगन्स। कौन थे? हाइगन्स। ठीक, पेंडुलम क्लॉक को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन थे? हाइगन्स। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर चारों ऑप्शन में कहीं पर भी हाइगन्स जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, राइट है। गैलीलियो गैलीली दे रखा है, थॉमस अल्वा एडिसन दे रखा है, फ्रेडरिक जोन्स दे रखा है, डेविडसन दे रखा है, राइट है। हम इसको एक काम करते हैं, हम पहले और आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है, हाँ ये वही है आपके जो, मतलब ये वो हमारे वेव वाले हाइगन्स प्रिंसिपल वाले नहीं है, पंकज गौर, ये जो कृष्णा ने ज्वाइन कर रखा है, ये वो हाइगन्स की वेव थ्योरी वाले हाइगन्स साहब नहीं है, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं बेसिकली। ये मतलब वो हमारे वेव थ्योरी वाले नहीं। हम एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को पहले हम चेक करेंगे, अभी हम अगले क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं, राइट है। आप ध्यान रखिए, मैंने आंसर बताया आपको कि फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक को डिस्कवर करने वाले कौन थे? सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक को डिस्कवर करने वाले थे हाइगन्स साहब, राइट है। इसके ऑप्शन को हम पहले क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे, राइट है। हम वापस से आएंगे इस क्वेश्चन पर, इसको टेली करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते, अभी ध्यान रखिए, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने करी थी प्यारे बच्चों? हाइगन्स साहब ने करी थी। किसने करी थी? हाइगन्स, राइट है। चलिए और आगे बढ़ते, हम वापस आ रहे हैं इस पर, इस क्वेश्चन पर आखिरी में हम वापस आएंगे, इसको हम टेली करेंगे, क्लियर है। चलिए देखें जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई एम वेटिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है द पेंडुलम एक्ट लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हेंस इट इज यूज्ड इन, किस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं भाई ये? जो पेंडुलम जो है, बोले वो किसकी तरह? हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह क्या करता है? काम करता है। यदि इसका प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है? देखिए अब ये फिर एक अजीब सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लीजिए। अब क्या बोल रहा है? द पेंडुलम एक्ट लाइक अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक पेंडुलम जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कर रहा है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा जब इसका उपयोग ग्रैंडफादर की वॉच हो या रिस्ट वॉच हो, राइट है क्या? ग्रैंडफादर ने भी वॉच काय में पहनी होगी? हाथ में ही पहनी हुई होगी, गले में लटका करके कोई वॉच नहीं घूमता है, राइट है। तो ग्रैंडफादर की वॉच जो है, ये तो मैं हटा ही देता हूं ऑप्शन से, ग्रैंडफादर की वॉच जो है, ग्रैंडफादर की वॉच जो है वो तो हम हटा देते हैं यहां से, राइट है। फिर है रिस्ट वॉच, ठीक है। फिर क्या है? वेस्ट वॉच। सन डायल बिल्कुल नहीं है, सन डायल वो धूप घड़ी आती थी पहले, देखो अपने से उल्टा करके रख देते थे, राइट है। सन डायल बिल्कुल नहीं है, आवर ग्लास भी बिल्कुल नहीं है, राइट है। सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? इसका रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच है। क्या करें, यदि हम ये जो पेंडुलम है आपका, वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा जब, जब क्या हो, जब इसको क्या करें हम, एक रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी जो है यदि इसकी तरह क्या करें हम काम करें, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा आपका? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कहे काम करेगा, बोले राइट है क्या? चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के बाद और आगे बढ़ते हैं, सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है। सर आवाज आपकी कम आ रही है, ये लीजिए वॉल्यूम बढ़ा देते हैं भाई, ठीक है। अभी चेक करिए, अभी आवाज क्लियर है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा क्या बोल रहा है ये। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, भाई साहब डेफिनेशन है ये, सभी का आंसर आना चाहिए, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड, बोले राइट है क्या? तो ये किसकी है? आवर्तकाल की परिभाषा है, टाइम पीरियड की डेफिनेशन है,
द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. डायमेंशन गलत है, टाइम पीरियड बिल्कुल सही उत्तर है इसका. डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है. फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट टाइम पीरियड की डेफिनेशन के लगभग लगभग क्या होती है, उल्टी होती है. बोली राइट है क्या, क्या बोलते हैं हम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो यदि इस प्रकार की कोई लाइन आ रही है कि किसी भी दिए गए समय अंतराल के अंदर जो है वस्तु के द्वारा जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन या दोलन जो है कंप्लीट किए जा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. यहाँ तो क्लियर बोल रहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा. क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड. ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बोल रहे हैं माननीय कृष्णा जी. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही भाई साहब. टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है. तो न्यू बराबर से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा. ठीक है, सही उत्तर क्या है, टाइम पीरियड. ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है. क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोले राइट है. ठीक, ध्यान से सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ है भाई. हाँ, एनडीए में स्टार लगा लीजिए आप इसको, और मैं चाहता हूँ कि शायद आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसका उत्तर सही लगा. ठीक, जरा देखिए ध्यान लगा करके, क्या बोल रहा है, द ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में बोल रहा है, टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर, एक तो ये है. ठीक, टाइम पीरियड का स्क्वायर एंड लेंथ, ये 1 दिखाई दे रहा है आपको, बेसिकली ये 1 नहीं है, ये लेंथ एल है ना, वो टाइपिंग में 1 टाइप का दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेंथ एल है. ये बोल रहा है कि टी स्क्वायर के और लेंथ एल के बीच का ग्राफ इनमें से क्या होना चाहिए. किसी पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का स्क्वायर और लेंथ एल के बीच का ग्राफ इनमें से क्या होना चाहिए. बोले राइट है, आओ देखें. ठीक है, सुनिए, किसी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2π अंडर रूट्स ऑफ कितना हो जाएगा, एल बाय जी हो जाएगा. बोले राइट है. ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से दिख रहा है आपको कि टी प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट्स ऑफ एल के. राइट है, मतलब ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, कैसा होता कि भाई साहब टाइम पीरियड टी और अंडर रूट्स ऑफ एल के बीच में ग्राफ बनाना हो, तो चूंकि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, ये टाइम पीरियड टी है और ये अंडर रूट्स ऑफ एल है. राइट है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो ग्राफ का स्लोप कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता. कैसा बनता ग्राफ का स्लोप, स्ट्रेट लाइन बनता, कोई डाउट तो नहीं. राइट है, लेकिन सुनिए उसने क्या बोला, उसने बोला टी का स्क्वायर है और लेंथ सिर्फ क्या है, एल है. ठीक है, देखो क्या होने वाला है, समझो, अगर मैं इस रूट को यहां से हटा देता हूं और इस तरफ ले आता हूं, तो ये रूट इधर आके कर देगा टी का क्या, स्क्वायर कर देगा. ये जो रूट है वो लेफ्ट साइड में आकर के टी का क्या कर देगा, स्क्वायर. और अब देखिए टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल. अब देखिए टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल. तो भाई साहब चाहे आप टी और अंडर रूट्स ऑफ एल के बीच में ग्राफ बनाए, तो भी रिलेशन कैसा बन रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन रहा है. और वो रूट अगर आपने एल से हटा करके टी के ऊपर चढ़ा है, तो स्क्वायर के रूप में ही चढ़ेगा. तो अभी भी आप देख रहे हैं कि रिलेशन कैसा बन रहा है, टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल के. और अभी भी बात हुई है कि अगर मैं टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, तो चूंकि अभी भी दोनों के बीच का रिलेशन या संबंध कैसा है प्यारे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, तो अभी भी ग्राफ का स्लोप कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है. अभी भी ग्राफ का स्लोप कैसा बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है. राइट है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाया करें आप. राइट है, तो ग्राफ का स्लोप अभी भी कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा. राइट है, क्या चेंजेस करें, समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, ये जो टी अंडर रूट्स ऑफ एल था उसका ग्राफ भी यही है, यहाँ का रूट आप इधर शिफ्ट कर दिए, रिलेशन अभी भी वही बन रहा है, तो टी स्क्वायर और एल के बीच का ग्राफ भी कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा. राइट है, सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा. इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. ठीक, ध्यान रखिए. राइट है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. बिल्कुल हर चीज का देखिए, जो चीज, जो क्वेश्चन, जो एक या दो क्वेश्चन याद करने के, उन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, उनका कुछ नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो क्वेश्चन वाकई में सॉल्व करके समझने लायक है, तो उन्हें हम जरूर समझ करके क्या करेंगे, क्लियर करेंगे. राइट है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, समझो क्या बोल रहा है. द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम इज ए. ठीक है भैया, एक पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है और उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना बोल रहा है, ए बोल रहा है. ठीक है, आओ देखें क्या है. चलो आपको समझ में आया इसलिए मैं लिख देता हूँ. ये पेंडुलम है और मान लो ये ऑसिलेट हो रहा है. भाई साहब ये पॉइंट कौन सा है, एक्सट्रीम. ये पॉइंट कौन सा है, मीन. हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई पेंडुलम मीन पोजिशन से ऑसिलेशन चालू करता है, तो यहां से पूरा आगे जाएगा, फिर यहां से होता हुआ पूरा पीछे आएगा, और फिर वापस यहां आएगा, तब जाकर के एक ऑसिलेशन कहलाएगा.
और अगर ऑसिलेशन मीन से चालू होने के बजाय कहां से चालू हो रहा है, एक्सट्रीम से, तो प्यारे बच्चों यहां से पूरा कहां जाएगा आगे और फिर घूम करके वापस उसी पॉइंट पर आएगा, तो क्या कहलाएगा, एक ऑसिलेशन। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, The amplitudes of pendulum is A. क्या होता है भैया amplitude? बेटा mean position के और extreme position के बीच का ये जो displacement होता है, इसी को क्या कहा जाता है? Amplitudes कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Amplitudes। बेटा mean position के और extreme position के बीच का ये जो distance होता है, इसी को क्या कहा जाता है? Amplitude। तो question ने बोला कि एक pendulum का amplitude या आयाम कितना है? A है, ठीक है। The distance covered in one complete oscillation. एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया? हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में सब जगह पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब उत्तर एम्पलीट्यूड्स की ही टर्म में देना है, राइट है। चलिए एक ऑसिलेशन में देख लेते हैं कुल कितना डिस्टेंस कवर होगा। कहीं से भी ले लीजिए, आप चाहे तो यहां से ले लो, आप चाहे यहां से ले लो, ठीक है। चलो यहां से लेते हैं। एक ऑसिलेशन मतलब यहां से पहले कहां जाएगा? आगे, तो ए कंप्लीट करा। फिर यहां से वापस कहां आएगा? यहां आएगा। फिर क्या हो गया? प्लस ए। क्या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया? नहीं भाई, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही मोशन हुआ है, टू डायरेक्शन में ही गया है, फ्रो में बाकी है। यहां से फिर पीछे आएगा, राइट है। फिर कितना कवर करा? ए। प्लस कितना लिखा? ए। और यहां से वापस कहां आएगा? फिर यहां। अब देखिए, अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, तो ए, टू ए, थ्री ए, फोर ए, प्लस क्या कर दूं? ए। प्यारे बच्चों कितना हो गया? फोर ए। तो एक ऑसिलेशन में यदि आप एम्पलीट्यूड्स के हिसाब से देखेंगे, यदि आप एम्पलीट्यूड्स के हिसाब से देखेंगे तो कितना आंसर होगा? 4a आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 4a, राइट है। तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, सही उत्तर क्या है? 4a, ठीक। सही उत्तर क्या है? 4a। अंशिका तिवारी, पंकज गौर, शिवम सिंह, विनीता पाटीदार, शमीर कुशवाहा, 4a लगाना, बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं 13 के बाद। चलिए 14 पर आ जाते हैं, ठीक, 14 पर आ जाते हैं, 14 के बाद आ जाते हैं। बोलिए क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए भैया आंसर? देखो जरा, पढ़ो जरा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। चलिए क्या होना चाहिए, आओ अटैक करते हैं। क्या बोल रहा है? When the pendulum oscillate, भाई साहब जब pendulum क्या करता है? Oscillate करता है। Then the speed of its pendulum is, तो उस pendulum की speed क्या होती है? Okay, ये तो बड़ा अजीब question है भाई, speed क्या होती है? देखो option पर जाते हैं, हो सकता कुछ दिमाग लगे, otherwise तो मैं आपको बता दूं my dear student कि जब क्या होता है? Oscillation होता है, समझना भाई, हाँ oscillation होता है। देखो फिर वही बात है, फिर वही बात है, यहां पर वेलोसिटी क्या होती है पता है आपको? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम। अरे जहां जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, वहां पर वेलोसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम। और अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई साहब ऊपर से नीचे जब आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। लेकिन यहाँ वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है? मिनिमम, बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर भी मिनिमम होती है और यहाँ पर भी मिनिमम होती है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे ऑसिलेशन के अंदर वेलोसिटी या स्पीड जो है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आ रही है, कहीं पर ज्यादा आ रही है, कहीं पर क्या आ रही है? कम आ रही है। कहीं पर ज्यादा आ रही, कहीं पर क्या आ रही? कम आ रही है, राइट है। कहीं पर ज्यादा आ रही, कहीं पर कम आ रही। सर आपका पढ़ाया हुआ लगभग कितना क्वेश्चन मैच करेगा? बेटा ये तो खैर लाइन नहीं बोलना चाहिए कि आपका पढ़ा हुआ लगभग कितना मैच करेगा। मेरा पढ़ाया हुआ जो है, या फोर्स डिफेंस एकेडमी के द्वारा पढ़ाया हुआ जो है, लगभग एनडीए के जो क्वेश्चन आते हैं वो उनसे संबंधित ही आते हैं और उसी प्रकार के ही पैटर्न के आते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस यदि हो जाएगी इससे, तो एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये यदि बना पा रहे हैं, यहां से सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप एग्जाम में आप बिल्कुल आसानी से क्या करेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूरे पूरे आपसे बनेंगे, राइट है, ठीक है। चले तो ये बोल रहा है कि भैया देन स्पीड ऑफ इट्स पेंडुलम ऑलवेज इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत। हमेशा थोड़ी बढ़ेगी भाई, हमेशा बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। मीन पर जाएगा तो बढ़ेगी, और वहां से जब फिर ऊपर बढ़ना चालू करेगा तो क्या होगी? कम होगी, राइट है। ऑलवेज इंक्रीजेस तो गलत है। हाँ, समटाइम इंक्रीजेस समझ में आ रहा है, समटाइम इंक्रीजेस समझ में आ रहा है, कभी कभी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मीन से जब, एक्सट्रीम से जब कहाँ आएगा? मीन की तरफ आएगा तो बढ़ेगी।
फिर मीन से जब कहा निकल जाएगा एक्सट्रीम पर, तो क्या होगी, घटेगी। समटाइम्स इंक्रीजेस क्लियर है, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज रिमेन सेम भी गलत है, सेम तो होती ही नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम, नन ऑफ द अबव भी क्या है, गलत है, नन ऑफ द अबव भी क्या होगी, गलत होगी, बोले राइट है क्या। तो ऑप्शन देखिए, कई बार क्या होता है, हमको चुनाव करना होता है, क्या करना होता है, चुनाव। तो वो बोल रहा हमेशा बढ़ेगी, गलत है, वो बोलेगा हमेशा घटेगी, गलत है, वो बोल रहा रिमेन सेम, गलत है, कहीं बढ़ेगी कहीं कम होगी, तो इसलिए समटाइम्स इंक्रीजेस होता तो भी करेक्ट माना जाता। और अगर इसके बजाय कहीं समटाइम्स इंक्रीजेस के बजाय यदि समटाइम डिक्रीजेस होता तो भी हम उत्तर क्या लगाते, सही लगा, उसी को लगाते हैं, बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, समटाइम्स इंक्रीजेस, रीजन मैंने आपको बता दिया क्या आएगा, समटाइम इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक। सुनिए क्या बोल रहा है, When the amplitudes of the simple pendulum increases, अगर सिंपल पेंडुलम का amplitudes क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो, तो सोचिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। When the amplitudes of the simple pendulum increases, then its time period, फिर से सुनिए, यदि टाइम पीरियड के बारे में बात की जा रही है, If the examiner talking about the time period, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो time period का formula लिख देना चाहिए, t equals to 2 pi under roots of l by g, ठीक है। और अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जो क्वांटिटीज आ रही है उन सारी क्वांटिटीज पर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा, और यदि इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो भाई उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। अब ढूंढो यहाँ पर, क्या इस फॉर्मूले में मास आ रहा है क्या बॉब का, नहीं आ रहा है, तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास बढ़ाओ मास घटाओ उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मास के हिसाब से तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, रिमेन सेम ही रहेगा। क्या इस फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आ रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, उसने बोला है कि amplitudes of simple pendulum increases, तो time period क्या होना चाहिए, तो हमने देखा कि 2 है pi है, l मतलब length है, और g का मतलब acceleration due to gravity है, अरे भाई इसके formula में तो amplitude भी नहीं आ रहा है, right है क्या, तो amplitude बढ़ाने पर time period जो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, amplitude बढ़ाने पर भी time period क्या रहेगा, remain same ही रहेगा, time period क्या रहेगा remain same ही रहेगा, right है, तो बढ़ेगा गलत है, घटेगा बिल्कुल गलत है, remain unchanged बिल्कुल सही, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक, time period is independent of amplitude, is that clear, ठीक, और become zero भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा remains unchanged, any doubt, clear है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक, सुनिए ध्यान से, क्लियर है, बड़े आगे, चलिए लगाओ जरा दिमाग, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द बॉब ऑफ द ऑसिलेशन पेंडुलम पासेस थ्रू द मिड पॉइंट मतलब यही, ये रहा ये मिड पॉइंट, ठीक, यदि ऑसिलेट कर रहा है, मिड पॉइंट मतलब यहां से, ठीक है, बोले एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और अगर वो पेंडुलम जो वो मिड पॉइंट यहां से पास करता है, ठीक, 100 टाइम्स इन 100 सेकंड, भाई साहब 100 सेकंड में कितनी बार गुजर रहा है, 100 सेकंड में कितनी बार गुजर रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार गुजर रहा होगा, एक बार गुजर रहा होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, भाई 100 सेकंड में कितनी बार गुजर रहा है, 100 बार गुजर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार गुजर रहा होगा, एक बार गुजर रहा होगा, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, तो बताइए कि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो क्या होना चाहिए। अब फिर से सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है, विनीता पाटीदार का कहना है 1 सेकंड आएगा, समीर कुशवाहा का कहना है 1 सेकंड आएगा, राजकुमार का कहना है सी 2 सेकंड आएगा, आओ देखते हैं। सुनिए भाई साहब, टाइम पीरियड की परिभाषा होती है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में लगने वाला जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, बराबर है। अब सुनिए, ठीक है, यदि मैं यहां से लेता हूं, यहां से मैं काउंट करता हूं एक कंप्लीट ऑसिलेशन, तो पूरा आगे जाएगा और वापस फिर पूरा कहां आएगा, पीछे आएगा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मिड पॉइंट से, भाई पूरा आगे जाएगा और पूरा पीछे आएगा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मिड पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो है, बॉब जो है, वो कितनी बार गुजरा, 2 बार, एक बार जाते वक्त, एक बार आते वक्त, बोले क्लियर है। मतलब हमने देखा कि एक ऑसिलेशन में प्यारे बच्चों कितनी बार गुजर रहा है, ये 2 बार गुजर रहा है, यहां से ले लो, यहां से लेंगे तो भी वही बात है, पूरा आगे जाएगा और फिर पूरा कहां आएगा, पीछे आएगा। मतलब एक ऑसिलेशन में हमने देखा कि मिड पॉइंट से बॉब जो है वो कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर एक ऑसिलेशन में 2 बार गुजर रहा है, मतलब एक टाइम पीरियड जो है वो कितने का होना चाहिए, सोचिए आप, तो 2 बार गुजर रहा है मतलब कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है,
अरे ना बात समझ में, भाई साहब 100 बार गुजरेगा तो 100 सेकंड लेगा, और एक ऑसिलेशन में आप कहीं से भी काउंट करिए, एक ऑसिलेशन में उस मिड पॉइंट से कितनी बार गुजरेगा, 2 बार, तो 2 बार गुजरेगा मतलब 2 सेकंड लेगा, तो एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम पीरियड है, 2 सेकंड है, कितना टाइम पीरियड है, 2 सेकंड है, क्योंकि एक ऑसिलेशन में 2 बार गुजरता है, बोले राइट है, तो ये जो भी 1 सेकंड लगा रहा है 1 सेकंड गलत आंसर है, टाइम पीरियड कितना होगा प्यारे बच्चों इसका, टाइम पीरियड कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 सेकंड होगा, कितना होगा 2 सेकंड, बोले राइट है क्या, ठीक, तो सही उत्तर जो है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 सेकंड, लॉजिकल क्वेश्चन है, खाली सोचना है आपको बस, बोले राइट है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग, फिर से वही बात, ठीक, अगेन करिए सॉल्व, ठीक, अगेन करिए सॉल्व, ठीक है, क्या बोल रहा है, सुनिए, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2.5 सेकंड, सबसे पहले इसको नोट करिए, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और ये दे रखा है 2.5 सेकंड, राइट है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 50 सेकंड, भाई साहब पूछ रहा है 50 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होंगे, 50 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होंगे, अब फिर से सुनिए भाई साहब, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम 2.5 सेकंड है, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम 2.5 सेकंड है, चले 10 ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम कितना हो गया, 25 सेकंड, 10 ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम कितना, मैं देखिए फॉर्मूले पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो ऐसे ही क्लियर कर रहा हूं उसको, भाई एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है 2.5 सेकंड, 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 25 सेकंड, 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 50 सेकंड, 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा 50 सेकंड, यही पूछा है उसने, 50 सेकंड में कितना टाइम, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे, तो एक ऑसिलेशन को 2.5 सेकंड, तो 10 ऑसिलेशन में 25 सेकंड, और 20 ऑसिलेशन में कितने 50 सेकंड, मतलब 50 सेकंड में कुल कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक, कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशन, कुछ लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्लियर है, आगे आंसर और क्या, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आप, सुनिए अगला क्वेश्चन, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ होलो स्फीयर, इस बार सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है, जो बेसिकली मेटल का बना हुआ होता है, इस बार वो बॉब जो है वो मेटल का नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या, कि वो बॉब जो है वो एक प्रकार का होलो स्फीयर है, राइट है, ठीक है, विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मरकरी, और उस होलो स्फीयर को प्यारे बच्चों काय से भर दिया गया है, मरकरी से भर दिया गया है, अच्छा ठीक है, अब बोल रहा है इफ 1/3 ऑफ द मरकरी इज टेकन आउट, यदि मरकरी से भरने के बाद उस मरकरी का 1/3 हिस्सा, मतलब उस पूरी स्फीयर के अंदर भरी हुई मरकरी को यदि उसका 1/3 हिस्सा बाहर निकाल दिया गया है, लीक आउट कर गया, बाहर निकल गया है, तो ये बोल रहे हैं देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, देखो एक बात ध्यान रखो आप, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है जिसमें किसी भी बॉब को यदि मान लीजिए किसी भी लिक्विड से भरा जाता है, ये भरा मैंने लिक्विड, किसी भी लिक्विड से यदि क्या किया जाता है, भरा जाता है, बोली राइट है, प्यारे बच्चों देखो यहां पर कंसेप्ट ये है कि जैसे मान के चलिए भाई हम लंबाई की बात करते हैं, तो कहां से कहां तक लंबाई होती है, किसी सिंपल पेंडुलम की जो हम धागे की जो लंबाई लेते हैं, किसी सिंपल पेंडुलम के थ्रेड की जो हम लेंथ लेते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे बॉब के सेंटर वाले पॉइंट से हम लेते हैं, ठीक है, लेंथ जो है वो कहां से कहां तक लेते हैं, बॉब के सेंटर वाले पॉइंट से लेते हैं, क्यों लेते हैं सेंटर वाले पॉइंट से, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पूरे बॉब का जो टोटल मास है वो कहां पर केंद्रित है, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट पर केंद्रित है, और लेंथ जो है वो आपको ऊपर सीलिंग से लेकर के पूरे सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट तक लेना पड़ेगी। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पहले तो मरकरी पूरी तरह से भरी हुई थी, लेकिन अब इस मरकरी का 1/3 हिस्सा जो है वो क्या हो गया है, बाहर की तरफ निकल गया, तो चलो मान लेते हैं कि 1/3 हिस्सा, मतलब इतना हिस्सा जो है इतनी मरकरी जो है यहां से, जो मैंने ग्रीन कलर का पोर्शन जो मैं बना रहा हूं, इस ग्रीन कलर के पोर्शन से जो मरकरी थी वो बाहर निकल गई, मतलब ये ग्रीन कलर के पोर्शन में मरकरी जो है, हमारा बॉब जो है वो ग्रीन कलर के पोर्शन से क्या है, खाली है, बोले राइट है क्या, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब मटेरियल मीडियम सिर्फ कहां पर है, ये नीचे वाले हिस्से पर, मटेरियल मीडियम
कहाँ है मटेरियल मीडियम, ये सिर्फ नीचे वाले हिस्से पर मटेरियल मीडियम है। तो अगर किसी बॉब को पूरी तरह से मरकरी से भरा और उस पूरी तरह से भरे मरकरी वाले बॉब में से यदि कुछ मरकरी या कुछ लिक्विड यदि आप बाहर कर देंगे, तो बाहर करने के कारण वो ऊपर से हल्का सा खाली हो जाएगा। हल्का सा खाली होने के कारण अब जो मटेरियल मीडियम है चूंकि वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जो है वो भी क्या करेगा, जहां पर मटेरियल भरा हुआ है उसके हिसाब से अपनी पोजिशन या स्थिति को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पहले चूंकि ये बॉब पूरी तरह से भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पर आ रहा था, लेकिन अब जो बॉब है वो सिर्फ ये मरकरी जो है ये रेड वाले हिस्से में भरी हुई है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहां आना चाहिए, तो ये रेड वाले हिस्से का सेंटर पॉइंट कहां आएगा, इसके सेंटर पॉइंट पर आएगा। देखिए आप, इससे थोड़ा सा नीचे हो गया, जब ये नीचे हुआ तो अब लंबाई भी क्या हो गई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट ने अपनी पोजिशन को क्या करा, चेंज करा भाई, वो ऊपर से शिफ्ट होके कहां आ गया, नीचे आ गया, ऊपर से शिफ्ट होके नीचे आ गया, मतलब अब लंबाई जो हमें नीचे तक लेना पड़ेगी, मतलब अब लंबाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, और हमें तो पता है कि टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट्स ऑफ क्या होता है, एल होता है भाई, लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर पूरी तरह से मरकरी से भरा हुआ है और यदि उसमें से कुछ मरकरी ड्रेन्ड आउट बोले तो बाहर निकाल देते हैं, तो चूंकि केंद्रीय द्रव्यमान जो है सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जो है वो खसक करके शिफ्ट करके थोड़ा नीचे आ जाता है, तो पहले के रिस्पेक्ट में लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बच्चों, और लेंथ बढ़ेगी, देन टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, विल इंक्रीजेस। क्लियर है, क्या आएगा सही उत्तर, इसका बी आ जाएगा, राइट है, विथ लॉजिक आंसर जरा ध्यान से सुन करके लगाइए, क्लियर है। तो ये रहेगा आपका विल इंक्रीजेस। चलिए दो क्वेश्चन और उड़ाते हैं हम, ठीक है, अगला सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, ठीक ये रहा, देखिए सुनिए क्या बोल रहा है, इन अ पेंडुलम एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, एल बाय टी स्क्वायर क्या आना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी क्वेश्चन में बेसिकली एल क्या है और टी स्क्वायर क्या है। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर से 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ हम क्या लिखते हैं, एल बाय जी लिखते हैं। अब भाई किसी सिंपल पेंडुलम के अंदर एल का मतलब क्या होगा, लेंथ ही होगा, और टी का मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड ही होगा। तो इस बार इन्होंने लेंथ को काय से डिनोट करा है, स्मॉल एल से डिनोट करने के बजाय काय से डिनोट करा है, कैपिटल एल से डिनोट करा है। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट्स ऑफ एल वाई कितना है, जी बोले राइट है। और ये बोल रहे हैं एल वाई टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए इनमें से, ठीक है आओ बनाते हैं, ये रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये रूट हटाया मैंने तो ये टी स्क्वायर, और 2 पाई का भी स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया ये 4 पाई का स्क्वायर। अच्छा अब क्या बच रहा है, एल वाई जी बच रहा है, बोलो बच रहा है कि नहीं बच रहा है, चूंकि एल वाई टी स्क्वायर लिया है तो एल को नीचे शिफ्ट कर लो, तो टी स्क्वायर वाई कितना हो गया एल, ये हो गया 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है जी, लेकिन टी स्क्वायर बाय एल थोड़ी पूछा है, उसने तो बोला एल बाय टी स्क्वायर है, तो भाई इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं, तो टी स्क्वायर बाय एल को उल्टा कर दिया तो ये हो गया एल बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 9.8, ये आ गया देखो एल बाय टी स्क्वायर, तो एल बाय टी स्क्वायर में जी और 4 पाई स्क्वायर आ रहा, तो ये तो नॉन वैल्यूज है, बोले राइट है क्या। तो जब जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करके यहाँ सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.248, क्या आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर 0.248 आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है, क्या आ जाएगा आंसर 0.248 आ जाएगा, बोले बराबर है राइट है। चलिए एक आखिरी सवाल और बनाएंगे हम, ठीक बाकी बात नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट है, इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए द मोशन इज पीरियोडिक, हाँ पीरियोडिक तो होता ही है, निश्चित समयांतराल के बाद रिपीट तो होता ही होता है, ठीक है। पीरियोडिक फिर क्या बोला, इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, प्यारे बच्चों कल फॉर्मूला लिखा था मैंने एक्सेलरेशन का, ये होता है माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, द मोशन इज स्ट्रेट लाइन अबाउट द मीन पोजिशन और इक्विलिब्रियम, हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको इस प्रकार से ही देखने को मिले, यदि फिक्स्ड पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो प्यारे बच्चों तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सही है, तीनों क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सही है, तीनों क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स सही है, राइट है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्या आएगा इसका सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव, इज दैट क्लियर, राइट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक ध्यान रखिए। तो ये रहा हमारा आज के हमारे जो है हमने
इसके 20 क्वेश्चन बनाए हैं प्यारे बच्चों, बाकी की बात हम कल करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि मैं कल कोई नया टॉपिक लेकर के आता हूँ तो मैं पहले उसके कुछ जो है आपको हल्की पुल्की कुछ थ्योरी बढ़िया फॉर्मूले में आपको बता दूंगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे उस क्वेश्चन पर आकर के जो है उसके पूरे पूरे क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है हमें, प्रचंड बैच जो है वो हमको हर सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है, राइट है, हमें प्रैक्टिस करते जानी है। ठीक है, आपको बड़ा ही बेनिफिट मिलने वाला है इससे, राइट है, और बने रहना है। ठीक है, तब तक के लिए, कल तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। ठीक है सर, इससे पहले कितने चैप्टर करवा दिए बेटा? ग्रेविटेशन कर चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेविटेशन कर लिया है और वर्क पावर एनर्जी करा है, राइट है, उसके बाद और बस अभी तो यही दो चैप्टर करे हैं, फिर हम आगे से निपटाते हैं, फिर वापस पीछे जाएंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों।